हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.4 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने अभी तक एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ लिया, फैक्टर कोफैक्टर एंड माइनर इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 4.5 एडजॉइंट। क्या पढ़ेंगे? एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट में देखते हैं क्या है। फर्स्ट है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। ईच ऑफ द मैट्रिक्स, इन सभी मैट्रिक्स का फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो मैट्रिक्स दी हुई हैं, इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। उसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर हमारे पास क्या होता है? वन वन मीन्स फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट एक कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम क्या आया? फोर। फिर वन टू, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या आएगा? थ्री। लेकिन वन प्लस टू क्या है? एक ऑड नंबर है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? टू। ये हमारे पास टू प्लस वन थ्री, इट मीन्स ऑड है तो माइनस आ जाएगा। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वन। अब हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है? जब हम लिखते हैं तो जो हमारे पास कोफैक्टर है उसको हम किस वे में लिखेंगे? ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, इस फॉर्म में लिखेंगे हम इनको। ठीक है, पहले हम क्या लिखते थे? ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। लेकिन ट्रांसफॉर्म, जब एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं? जो हमें रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए वन वन हमारे पास कितना है? फोर है। ए वन टू, सॉरी, ए वन टू हमारे पास कितना है? माइनस थ्री। ए टू वन हमारे पास कितना है? माइनस टू। और ए टू टू हमारे पास कितना है? वन। ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड में भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ए हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स से पहले हम क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले कोफैक्टर। सॉरी, कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे? वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थ्री वन जा थ्री, ये क्या आ जाएगा? जीरो, तो क्या आया? थ्री। वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, टू वन जा टू, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव टू जा टेन, टेन प्लस टू कितना आ जाएगा? ट्वेल्व। लेकिन ये दोनों प्लस करेंगे, ऑड नंबर है तो कैसा आया? नेगेटिव। वन थ्री फर्स्ट रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ये जीरो आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से हमने क्या है? टू वन क्या आ जाएगा? वन। ए टू टू हमारे पास फाइव, ए टू थ्री, टू एट थ्री वन, माइनस इलेवन, माइनस वन और फाइव। कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? ए वन वन, ए वन टू चेंज कर देंगे ना हम, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री एंड ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट है वेरीफाई ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी। ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, टू थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स। ए वन वन निकालेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? माइनस सिक्स। ए वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकाल, क्या है? माइनस फोर। लेकिन टू प्लस वन थ्री, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास ऑड नंबर हो गया तो क्या आ जाएगा? ये माइनस हो जाएगा और ये क्या आया? टू। अब हम ए का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई टू, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई थ्री कितना आ जाएगा? ट्वेल्व। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला हमने? माइनस सिक्स फोर, माइनस थ्री टू। अब हम क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें प्रूव करना है। क्या आ जाएगा हमारे पास? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? ए जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है वो नोट करेंगे, टू थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास? माइनस सिक्स फोर थ्री टू। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ,
टू सिक्स जा माइनस ट्वेल्व, प्लस से फोर थ्री जा ट्वेल्व, फिर इसकी इसके साथ करेंगे टू थ्री जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स प्लस से सिक्स आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसकी हम सेकंड के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस फोर माइनस सिक्स की अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स फोर जाए ट्वेंटी फोर, माइनस से ट्वेंटी फोर। इसी तरह जब हम इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वेल्व माइनस से ट्वेल्व इज इक्वल टू, जब हमारे पास ये सारी की मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास डिजिट क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, और सभी को सोल्व करने से क्या आ जाएंगे, सारे के सारे ज़ीरो 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 ज़ीरो। उसके बाद फिर से हम क्या निकालेंगे, एडजोइंट ऑफ ए इंटू ए, इसको भी ऐसे लिखेंगे, पहले हम एडजोइंट ऑफ ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ, सिक्स टू जा माइनस ट्वेल्व, थ्री फोर जा माइनस माइनस प्लस हो गया ट्वेल्व, ये कैंसिल होके क्या आया, ज़ीरो। फिर इसकी इसके साथ करेंगे सिक्स थ्री जा माइनस एटीन, माइनस माइनस प्लस, सिक्स थ्री जा एटीन, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से इन एलिमेंट्स की भी सभी की क्या आएगी, ज़ीरो ज़ीरो। फिर थर्ड है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, ज़ीरो। आइडेंटिटी क्या है, वन ज़ीरो ज़ीरो वन, ज़ीरो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे क्या होंगे, ज़ीरो। यही हमें प्रूव करना था कि ये तीनों इक्वल हैं। ए एडजोइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजोइंट ऑफ ए, ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो 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 के इक्वल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक एम्प्टी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, ऐसे ही इसी के लिए क्वेश्चन नंबर फोर करना है। ये हमें दिया हुआ है ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, पहले हम ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, वन ये ज़ीरो ये भी ज़ीरो, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये कैंसिल, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस माइनस प्लस टू वन जा टू, प्लस से टू आ जाएगा, फिर ये भी ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो हो गया पूरा, नाइन और टू इलेवन, इलेवन वन जा इलेवन। अब ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कोफैक्टर निकाल लेंगे, ज़ीरो वन टू, इसी तरह हमने कोफैक्टर निकाल लिए सारे के सारे। एडजोइंट ऑफ ए, एडजोइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्लाई करेंगे ज़ीरो माइनस इलेवन ज़ीरो, थ्री वन माइनस वन टू एट थ्री, ये हमारे पास लिख लिया हमने एडजोइंट ऑफ ए। ए की एडजोइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की ए हमारे पास ये दे रखा है, एडजोइंट ऑफ ए हमारे पास ये आया। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, वन की और ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इलेवन वन जा इलेवन, और ये क्या हो गया, ज़ीरो। फिर इसकी करेंगे थ्री, ये क्या आ जाएगा, माइनस वन, और ये टू वन जा माइनस टू, थ्री माइनस थ्री क्या आ जाएगा, ये भी ज़ीरो। इसी तरह फिर इसके इसके साथ करेंगे, टू वन जा टू, एट वन जा माइनस एट, थ्री टू जा सिक्स है। फिर सेकंड रो की फर्स्ट के साथ करेंगे, थ्री ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये भी क्या आया, ज़ीरो। थ्री थ्री जा नाइन, ये ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस से टू आ जाएगा हमारे पास। फिर इसके हम थर्ड के साथ, थ्री टू जा सिक्स आ जाएगा, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, और थ्री टू जा सिक्स, ये माइनस का आ गया कैंसिल। इसी तरह थर्ड के हम थर्ड के साथ करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये हमारे पास इलेवन आ जाएगा, थ्री ये थ्री हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, सिक्स टू एट, एट माइनस एट ज़ीरो, ये ज़ीरो, नाइन टू इलेवन, सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो ये भी कैंसिल होके ज़ीरो आ जाएगा, और नाइन टू इलेवन। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, इलेवन आया था ना, इलेवन इंटू आइडेंटिटी, इलेवन इंटू आइडेंटिटी क्या है, अब थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है तो थ्री क्रॉस थ्री की आइडेंटिटी लगाएंगे, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन इज इक्वल टू, इलेवन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, इलेवन ज़ीरो 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 इलेवन ज़ीरो 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 इलेवन। अभी तक हमने दो पार्ट निकाले, दोनों इक्वल आ गए। थर्ड हमारा क्या रहता है, एडजोइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजोइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजोइंट ऑफ ए के लिए हम करेंगे, एडजोइंट ऑफ ए हमारे पास ये दे रखा है और ये हमारे पास ए है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो की वन के साथ करेंगे क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन और टू वन जा टू। फिर इसकी करेंगे ज़ीरो आ जाए, सेकंड की हमारे पास इसकी इसके साथ करेंगे क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, इसकी ज़ीरो आ जाएगी, थ्री टू जा माइनस सिक्स, थ्री टू जा प्लस सिक्स। थर्ड सेकंड उठाएंगे हम इसी तरह से, माइनस इलेवन और थ्री वन जा थ्री, एट वन जा एट, ये माइनस है ये दोनों प्लस हैं। नेक्स्ट की माइनस इलेवन और माइनस वन की इलेवन, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो,
इलेवन टू जा माइनस 22, ये क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, और 8 3 जा 24। अब थर्ड की भी ऐसे ही करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 टू 11 0, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 0। 8 3 11 माइनस 11 कैंसिल हो गया, ये 11। 24 माइनस 22 2 क्या आएगा माइनस 24 क्या हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल होके क्या आया 0 0। 9 टू 11 तो हमारे पास तीनों किसके इक्वल आ गए, ए एडजोइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजोइंट ऑफ ए इन टू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी इसके इक्वल आ गए। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें करना है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक हमें हर एक पार्ट में इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तब हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। देखते हैं, कोफैक्टर निकाल लेंगे हम और इनवर्स निकाल डिटर्मिनेंट कोफैक्टर निकाल लेंगे। पहले कोफैक्टर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स। दोनों चीज़ें आपको पता है कि कैसे क्या निकालते हैं, और मल्टीप्लाई करना है इसकी एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। आपको ए का डिटर्मिनेंट भी निकालना आता है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना आता है। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। कोफैक्टर एडजोइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर क्या आएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आया 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा माइनस 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और इसको करेंगे क्या आएगा 2। फिर हमने एक डिटर्मिनेंट निकाला, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 और 6 14, 14 नॉट इक्वल टू 0 है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट है। अगर 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया है 14 आया है, 1/14 एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 4 2 2। आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, पिछली वीडियो उसमें पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। माइनस 1 माइनस 3 5 2। ए 1 निकाल लेंगे, पहले को फैक्टर निकाल लिया, फर्स्ट रो 2 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड छोड़ देंगे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर सेकंड फर्स्ट छोड़ देंगे 5 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 1। फिर हम एक का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, माइनस 1 के और 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 में से 2 जाएगा क्या आया 13, नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है 13, 1/13, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये हमने निकाल लिया 2 3 माइनस 5 माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, अब आपको 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। पहले एक का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम 2 5 या 10, और ये क्या आ जाएगा 0, 10 माइनस 0, फिर 2 जब हम इसको करेंगे ये कैंसिल, ये भी 0 ये भी 0, और 3 से करेंगे ये कैंसिल ये कैंसिल, ये भी 0 ये भी 0, क्या आ जाएगा 10 1 10 10 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हम इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे, 1 1 निकाल लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 जा 10, ये 0 हो गया 10, सेकंड से ये कैंसिल क्या आ जाएगा 0, 1 3 ये कैंसिल ये भी क्या आ गया 0, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 5 जा 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0, लेकिन 2 + 1 3 ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस 10, इसी तरह 2 2 और ये हम फाइंड करेंगे। फिर हमें निकालना था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया था 10, तो क्या लिखेंगे 1/10, और ये हमारे पास क्या आया 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1 3 5 0 3 2 0 0 -1, ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा -3, और ये क्या हो जाएगा 0,
ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री और वन की मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस थ्री, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या बोल देंगे, इनवर्स एग्जिस्ट है। फिर हम निकाल लेंगे वन वन, वन टू, कोफैक्टर फाइंड करेंगे इसी तरह से, वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के क्या आएगा, माइनस थ्री, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से थ्री, इनको हम निकाल लेंगे कोफैक्टर्स को, ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, वन बाई डिटर्मिनेंट, वन बाई डिटर्मिनेंट क्या है, माइनस वन, वन बाई माइनस वन, इसको हम नोट करेंगे, माइनस थ्री थ्री, इसको हमने नोट किया, माइनस थ्री थ्री, माइनस नाइन, फिर जीरो आ जाएगा, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, जीरो जीरो थ्री, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, टू फोर माइनस सेवन, वन माइनस वन, टू थ्री जीरो वन, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे हम, क्या आ जाएगा, वन और वन की माइनस वन, इसके मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगी, माइनस वन, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, फोर वन जा फोर, ये क्या आ जाएगा, जीरो, प्लस थ्री, फोर टू जा एट, माइनस माइनस प्लस, एक बार फिर से माइनस आ जाएगा, सेवन वन जा सेवन, यहाँ से क्या आया, माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एट में से सेवन जाएगा वन, थ्री, माइनस सिक्स प्लस थ्री क्या आएगा, माइनस थ्री, इट मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, उसके बाद ए इनवर्स फाइंड कर देंगे, वन बाई ए डिटर्मिनेंट एडजोइंट ऑफ ए, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन, माइनस फोर, ये ऐसे का ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, अब हम इसको करेंगे 1 एज इट इज, ये कैंसिल, कोस कोस की क्या आ जाएगी, माइनस कोस स्केयर अल्फा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस साइन स्केयर अल्फा, ये दोनों 0 हैं तो क्या आएंगी, 0। अब ये हमारे पास 1 है, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस, तो बाहर क्या आएगा, माइनस 1, और कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के, ये क्या आ जाएगा, माइनस 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0। ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0, ये 0, क्या आया, 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सेकंड, इससे हम सॉल्व करेंगे, ये 1 3, ये 0, ये 0, ये भी क्या आया, 0। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम ये, इसके और इसके मल्टीप्लाई 0, ये भी क्या आई, 0। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस कोस अल्फा आ जाएगा और ये 0। 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम साइन अल्फा और ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा इसलिए माइनस साइन अल्फा। 3 1 थर्ड फर्स्ट, इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई 0। 3 2 थर्ड 2, 3 साइन की और इसकी मल्टीप्लाई साइन अल्फा, 3 प्लस 2 5 इसलिए माइनस साइन अल्फा। 3 3 थर्ड थर्ड कोस अल्फा आ जाएगा एज इट इज। ए इनवर्स फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 1, अंदर हमारे पास क्या है, 1 0 0 0 को माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, सभी हमने नोट कर लिए। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 1 को अंदर लेके गए तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, अंदर लेके गए तो क्या आएगा, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये दोनों माइनस थे प्लस, ये माइनस था ये प्लस, और जो प्लस था वो माइनस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।